टी20 वर्ल्ड कप 2022 को लेकर बड़ा अपडेट, आज भारत और पाकिस्तान के बीच कांटे की टक्कर। टी20 वर्ल्ड कप 2022 की सबसे बड़ी भिड़ंत का स्टेज तैयार हो चुका है। आज भारत और पाकिस्तान की टीमें मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में दोपहर 1:30 बजे खेलने उतरेगी, तो करीब 1,00,000 दर्शक जो है स्टेडियम में रहेंगे। लगभग 30 करोड़ लोग टीवी और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसका लुत्फ उठाएंगे। वही मौसम की बात करें तो एक राहत भरी खबर है मौसम को लेकर कि कल तक तो जो मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई उसके अनुसार मेलबोर्न में 90% बारिश के आसार थे, लेकिन ये आशंका अब घटकर 25% रह गई है। वही ऑस्ट्रेलिया के जो मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड है स्टेडियम में, इसमें 37 साल बाद भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच मुकाबला खेला जाएगा। आखिरी बार 1985 में एक मुकाबला यहाँ पर दोनों टीमों के बीच खेला गया था। वही मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड पर पिछले 5 मुकाबलों में टारगेट का पीछा करने वाली टीम जीती है। वही इन 5 मुकाबलों में सबसे बड़ा स्कोर जो रहा है वो 175 रन रहा है, जो कि ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका के खिलाफ बनाया था। वही पहली पारी में औसत स्कोर जो है इस स्टेडियम पर वो 145 रन है, दूसरी पारी का औसत स्कोर 140 है। वही भारत ने इस मैदान पर एक पारी में सबसे अधिक 144 रन का रिकॉर्ड बना रखा है। वही पाकिस्तान का इस मैदान पर औसत जो स्कोर 125 रन है। यहाँ पर जो पिच है वो तेज गेंदबाजों की मदद करती है। इस पिच पर यहाँ पर ये जो पिच है वो 59 विकेट पर से यहाँ पर ले चुके हैं, यानी 59 विकेट इस पिच पर यहाँ पर पैसे ले चुके हैं। वही दोनों टीमें टी20 वर्ल्ड कप में अभी तक 6 बार आमने सामने हुई है, जिसमें भारत ने 5 बार बाजी मारी है। वही पाकिस्तान को एक मुकाबले में जीत है जो 19 से हुई है। वही भारतीय क्रिकेट टीम को पिछले साल विराट कोहली की कप्तानी में यूएई में हुए टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान से हार मिली थी। वही टी20 फॉर्मेट में ओवरऑल दोनों टीमों के बीच 11 मुकाबले खेले गए हैं, 7 मैचों में भारत को जीत मिली है। वही 3 मैच पाकिस्तान ने भी जीते हैं, यानी टोटल जो टी20 मुकाबले हैं वो अब तक 11 बार दोनों टीमें भीड़ चुकी हैं, जिसमें 3 बार पाकिस्तान और 7 बार भारत जीता है। वही एक मैच ट्राई रहा है, यानी एक मैच ट्राई रहा है जिसमें भारत ने यहाँ पर बॉल आउट के हिसाब से जीता, इसलिए यहाँ पर भारत ने जीती थी। वही टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय टीम का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो रिकॉर्ड है शानदार रहा है। टीम ने वहाँ 12 मैच खेले, 7 में जीत भारत को मिली है, 4 में हार का सामना करना पड़ा, वही एक मैच ड्रॉ रहा है। वही भारत ने सभी 12 मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहाँ पर खेले थे, यानी अच्छा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया का जो रिकॉर्ड है रहा है। वही भारत और पाकिस्तान के मुकाबले की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज में मुकाबला है। आज भारतीय समय अनुसार 1:30 बजे खेला जाएगा। वही टॉस आधे घंटे पहले यानी 1 बजे के आसपास होगा। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग आप डिज़्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। और इस मैच के बारे में अगर खिलाड़ियों की बात करें तो साई अफरीदी टीम इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकते हैं, जो कि 2021 के वर्ल्ड कप में भारत की टीम के लिए खतरा बने थे। उन्होंने 21 रन देकर 3 विकेट झटके थे। वही रोहित, विराट कोहली और केएल राहुल को उन्होंने यहाँ पर दुबई के मैदान में यहाँ पर आउट किया था। वही एशिया कप खेलना पाकिस्तान नहीं जाने के कारण बीसीसीआई के बयान, जो बीसीसीआई का बयान है उस पर भी अगले साल भारत में होने वाले जो वर्ल्ड कप है वनडे वर्ल्ड कप से हटने की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की धमकी भी इस मुकाबले में आग में घी डालने का काम कर सकती है। अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों के आज के मैच की संभावित प्लेइंग 11 की। तो टीम इंडिया की बात करते हैं प्लेइंग 11 की। सबसे पहले तो टीम इंडिया में कप्तान रोहित शर्मा है, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और दिनेश कार्तिक टीम इंडिया की ये बैटिंग डिपार्टमेंट रहेंगे। बॉलिंग की डिपार्टमेंट की बात करें तो बॉलिंग में अक्षर पटेल, युजवेंद्र चहल और भुवनेश्वर कुमार, हरदीप सिंह और मोहम्मद शमी, ये अपने टीम इंडिया के आज संभावित प्लेइंग 11 है। वही पाकिस्तान की संभावित प्लेइंग 11 की बात करें तो पाकिस्तान में मोहम्मद रिजवान और कप्तान बाबर आजम, फखर जमान, हैदर अली और इख्तियार अहमद और मोहम्मद नवाज, शादाब खान, नसीम शाह, शाहीन साफरीदी और इसके अलावा हारू जो राउ और इसके अलावा मोहम्मद हसनैन आज पाकिस्तान की टीम में ये खिलाड़ी आज खेल सकते हैं। ऐसे आज ये जो मुकाबला है ऐसे में आज काफी टक्कर यानी कांटे की टक्कर वाला मुकाबला देखने को मिल सकता है।